वहीं नूह की हिंसा क्या गुरुग्राम तक भी पहुंच गई थी, इसलिए नूह के अलावा गुरुग्राम में भी सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। इमाम संगठन ने लोगों से घरों में ही नमाज पढ़ने की अपील की है। वहीं मस्जिद के आसपास भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। और साथ ही गुरुग्राम से आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी की एक रिपोर्ट। इस वक्त मौजूद है गुरुग्राम में और मेरे पीछे ठीक आप जो देख रहे हैं वो जामा मस्जिद सदर है। यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पर वो बढ़ा दी गई है। उसके पीछे की वजह यही है कि जिस तरीके से सोमवार को नूह में एक धार्मिक शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी जिसकी आंच गुरुग्राम तक भी पहुँच गई थी, ऐसे में क्योंकि आज शुक्रवार है, जुमे की नमाज है, दोबारा इस तरह की कोई स्थिति पैदा ना हो उसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। और तमाम जितने भी मस्जिद हैं उनके बाहर आप देख पाएंगे कपिल तस्वीरें दिखाइए, जो पुलिस वाले हैं उनको सुबह से ही तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके की कोई इस तरीके की वारदात जो है वो ना हो पाए और संख्या से ज़्यादा जो लोग हैं वो इकट्ठा ना हो पाए, किसी तरीके से कोई भीड़ बेकाबू ना हो, उपद्रव ना मचे, इसको देखते हुए ये चाक चौबंद प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं और यही तस्वीरें आपको तमाम जगह पर दिखाई देगी। दूसरी तरफ अगर बात करें तो कुछ जो उलेमा हैं उन्होंने लोगों से ये भी कहा है कि आप जो जुमे की नमाज है जहाँ तक संभव हो, खासकर बात करें तो नूह और सोना के अंदर, वो घरों पर ही अपनी नमाज अदा करें ताकि एक तो धारा 144 लगी हुई है उसका उल्लंघन ना हो। हालांकि कर्फ्यू में भी 2 घंटे की छूट दी गई है लेकिन उलेमा चाहते हैं कि किसी तरीके की कोई अव्यवस्था अशांति ना फैले, उसको देखते हुए हिदायत दी गई है कि ज़्यादातर लोग जितना संभव हो सके घर पर ही नमाज़ पढ़ें।